नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दरभंगा जा रहे हैं। दूसरी तरफ जगदानंद सिंह की एक टीम तारापुर के लिए रवाना हो चुकी है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जगदानंद सिंह साथ ही साथ श्याम रजक भी जो है तारापुर के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि तारापुर में जिस तरीके से कल मतगणना है और दरभंगा में भी मतगणना है, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दरभंगा के लिए रवाना हुए हैं। तो वहीं एक टीम उन्होंने तारापुर में जहाँ चुना हुआ है उसको मतगणना को लेकर RJD की तरफ से भेजा गया। जगदानंद सिंह ने कहा है जाते जाते कि अगर बेईमानों ने बेईमानी की तो उसको दुरुस्त कर देंगे। सवाल हमने किया कि क्या तारापुर जा रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने कहा कि हाँ, हम तारापुर जा रहे हैं और अगर बेईमानों ने अगर बेईमानी की तो हम उसको दुरुस्त कर देंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दरभंगा के लिए रवाना होंगे तो उनसे भी बातचीत किया जाएगा कि आखिरकार दरभंगा जा रहे हैं, क्या कुछ होगा वहाँ। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं रावड़ी आवास से, जगदानंद सिंह साथ ही साथ जो पूर्व मंत्री हैं श्याम रजक, वो भी निकले हैं 10 नंबर से। और ये 10 नंबर रावड़ी आवास है, यहाँ पर फिलहाल लोगों के मिलने का हुजूम लगा हुआ है। और जिस तरीके से 2 सीटों पर चुनाव हुए हैं तो इस चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों के जो नाक हैं वो साख पर लगे। जनता दल यूनाइटेड की बात कर ले या RJD की या फिर कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं सभी के जो नाक है वो दाव पर लगे हैं। कांग्रेस का कहना है कि अगर ये 2 सीट अगर हमारी निकलती है तो आने वाले वक्त में कांग्रेस की दिशा और दशा तय होगी। वहीं RJD कह रही है कि अगर दोनों सीटें निकली तो सरकार बनाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार की बात करें, जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो उन लोगों का कहना है कि ये हमारी परंपरागत सीट रही है और ये हम जीत के ही दम लेंगे। अब ये तो कल पता चलेगा कि क्या होगा, क्योंकि चुनाव प्रचार हो गए, चुनाव भी बीत गया और बाकी रह गए मतगणना, और जो कि कल हो ही जाएगा। और उसके बाद पता चल जाएगा कि किसने बाजी मारी है और किसने मात खाया है। लेकिन फिलहाल एक तरफ जहां RJD पिछली बार विधानसभा चुनाव में जो है बेईमानियों का आरोप लगा रहा था और इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों से ये भी कहा कि इस बार बेईमानी नहीं होगी किसी भी हाल में, लिहाजा उन्होंने 3 दिन तक कुशेश्वर स्थान और 3 दिन तक जो तारापुर है वहाँ भी कैंप किए। उसके बाद हवाई से प्रचार भी किया गया, हेलीकॉप्टर से प्रचार किया गया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन लालू प्रसाद यादव खुद चुनाव प्रचार में पहुंचे और उन्होंने भी जो है सभा को संबोधित किया। और अब मतगणना की जब बारी आई है तो तमाम RJD के नेता का आरोप लगा रहा था और इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों से ये भी कहा कि इस बार बेईमानी नहीं होगी किसी भी हाल में, लिहाजा उन्होंने 3 दिन तक कुशेश्वर स्थान और 3 दिन तक जो तारापुर है वहाँ भी कैंप किए। उसके बाद हवाई से प्रचार भी किया गया, हेलीकॉप्टर से प्रचार किया गया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन लालू प्रसाद यादव खुद चुनाव प्रचार में पहुंचे और उन्होंने भी जो है सभा को संबोधित किया। और अब मतगणना की जब बारी आई है तो तमाम RJD के नेता को एक टीम को तारापुर भेज दिया गया है, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव दरभंगा के लिए रवाना होंगे। छोड़े जाते हैं आपको पूरे बयान के साथ जो जगदानंद सिंह ने जाने से पहले दिया है। नमस्कार। कर देंगे यदि बेईमानी करेगा तो तारापुर जा रहे हैं। हाँ, बेईमानी यदि किया तो हम लोग दुरुस्त कर देंगे, खबरदार जो बेईमानी किया काउंटिंग में। तो उसी के लिए जा रहे हैं क्या? हाँ, तो और क्या,